पुलिस। पुलिस का नाम सुनकर आपको भी डर लगता है ना? अरे भाई, हर कोई यही दुआ करता है कि उसकी जिंदगी में पुलिस से कभी पाला ना पड़े, क्योंकि इनकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। एक दिन ऐसे ही दिल्ली में रहने वाली रिंकू के घर में भी पुलिस पहुंच गई। तो क्या रिंकू ने कुछ गलत काम किया था? क्या पुलिस उसे पकड़ने आई थी? आखिर क्या है रिंकू की कहानी, चलिए देखते हैं। मेरा नाम रिंकू है। 13 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी और 14 साल की उम्र में मेरी बेटी हुई थी। मेरी शादी के बाद मेरे पापा की डेथ हो गई, जिसके कारण हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरे पति मुझे यहाँ दिल्ली में ला के छोड़ गए और उसके बाद लौट के नहीं आए। सोच के ही डर लगता है ना, कि कोई अपना अचानक यूं ही एक दिन छोड़ के चला जाए और फिर कभी वापस ना आए। यानी रिंकू एक तकलीफों भरी पर सीधी साधी जिंदगी जी रही थी, तो आखिर पुलिस ने उसके घर पे दस्तक क्यों दी? भाई, इस बार पुलिस का मकसद किसी मुजरिम को पकड़ना नहीं था, बल्कि रिंकू की जिंदगी को एक सही राह दिखाना था। और ये राह थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत चलाई जा रही युवा स्कीम की। एक अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और वो है पब्लिक आउटरीच का, कम्युनिटी आउटरीच का। इसको ध्यान में रखते हुए हमको ये फिर समझ में आया कि क्यों ना हम जो उस थाने के अंतर्गत जो यंगस्टर्स हैं, लड़के हों लड़कियां हों, उन बच्चों की ट्रेनिंग करें और उनको मार्केट में एम्प्लॉयबल करें। हमारे लिए था कि हम इन बच्चों को जो कि जुविनाइल ऑफेंडर्स हैं, छोटे मोटे क्राइम में बॉर्डिंग क्रिमिनल जिसे कहते हैं, या ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप जेल में बंद हो गए हैं, उनको भी यदि हम प्रशिक्षण देके एक अच्छे नागरिक बनने में मदद करें तो ये हमारे भविष्य के क्राइम रोकने में हमारी बहुत मदद करेगा। और वे बच्चे जो नाउम्मीद हैं, उनको उम्मीद पहुंचाई जा सके। उम्मीद ही तो है जिसके सहारे हम अपने जीवन में एक मकाम हासिल कर सकते हैं, मुश्किलों से लड़ सकते हैं, और इस उम्मीद को सच में बदल रही है दिल्ली पुलिस। पर आखिर ये इन जरूरतमंद युवाओं तक पहुंचते कैसे हैं? हमारे दिल्ली पुलिस के द्वारा स्लम क्लस्टर्स में विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाता है, ताकि हम स्लम्स के यूथ्स को अपने साथ में शामिल रख सकें। तो उन प्रोग्राम्स के तहत हम जब अपने इलाके के यूथ्स जो कि स्लम्स में रहते हैं इंटरेक्शन करते हैं, तो वहाँ से फर्स्ट स्टैंड पर हम ये मेकआउट करते हैं कि किनको हमने हमारा पीयर ग्रुप, हमारा टारगेट ग्रुप कौन सा है, और फिर उन कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के बाद में उनके रुचि के आधार पर उनके कोर्सेज का चयन करते हैं और फाइनली उनको प्लेसमेंट दिलाते हैं। युवा स्कीम के अंतर्गत तीन तरह की ट्रेनिंग कैंडिडेट्स को दी जाती है, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर ऑपरेटर और हॉस्पिटैलिटी, जिसमें दिल्ली पुलिस का साथ देता है IACT यानी इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस कंप्यूटर ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड। और आप जानते हैं कि ये ट्रेनिंग पुलिस स्टेशन में ही कराई जाती है। भाई वाह, पुलिस स्टेशन एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बन सकता है, ये किसने सोचा होगा? और पुलिस स्टेशन को सही मायने में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने की जिम्मेदारी है IACT की। युवा का जो कोर्स है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत है, जो एज पर PM के बॉय मैंडेट 320 घंटे से लेकर 360 घंटे का होता है, जो कि जनरली हम 3 से 4 महीने के बीच में हम इसको पूरा करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर ऑपरेटर और हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग के अलावा यहाँ किसी भी जॉब इंटरव्यू में पूरे आत्मविश्वास से बात करने के लिए इंग्लिश और बोल चाल का तरीका भी सिखाया जाता है, और दी जाती है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी, यानी आगे आपका हाथ उठे तो बस काम करने के लिए, खुद की रक्षा करने के लिए और उन्नति के लिए। और हुनर का असर देखिए क्या हुआ। लोगों का पुलिस के प्रति जो एक नकारात्मक सोच है, उसको बदलने में ये बहुत बढ़िया मुहिम रही। जो लोग पुलिस थाने में आने से घबराते थे, वे अपनी बच्चियों को खुद थाने में ट्रेनिंग के लिए लेके आते हैं, और बाहर पहले वो वेट करते थे, पता नहीं अंदर जाने के बाद बंद होकर आएंगे या छूट कर आएंगे, अब वो वेट करते हैं बहुत ईगरली कि जॉब का इंटरव्यू चल रहा है, क्या मेरी बच्ची को जॉब मिलेगी या नहीं। और सबको जॉब मिली। इस साल हमने तकरीबन 1300 बच्चों को ट्रेनिंग ख़त्म कराए हैं और 1050 का जॉब ऑलरेडी लग चुका है।
आप जानते हैं कि इन युवाओं को ये जॉब कहाँ मिली? फोर्टिस हॉस्पिटल, हीरो मोटोकॉर्प, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, सीसीडी, बर्गर किंग जैसी कई बड़ी कंपनीज ने, दिल्ली पुलिस और भारत सरकार की इस युवा पहल ने कई जिंदगियां संवारी हैं। इतना अच्छा माहौल था पढ़ने में, इतना मतलब ये लोग इतना गाइड करते थे और सब कुछ समझाते थे कि किस तरीके से कहाँ क्या कैसे करवाएंगे। और फिर इतनी सारी चेंजेस मेरी लाइफ में आई, इन्होंने मुझे वोडाफोन में जॉब भी दिलवाया। अभी मेरी 8,000 सैलरी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ जॉब करके। तो देखा आपने, रिंकू और रिंकू जैसे हजारों युवाओं की जिंदगी को संवारने में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना NSTC, CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और IACT का कितना बड़ा योगदान है। रिंकू का साथ उसके पति से जरूर छूट गया था, पर हुनर उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत चलाई जा रही दिल्ली पुलिस की युवा योजना सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक परिवर्तन है, और ये परिवर्तन बहुत मायने रखता है। वो हाथ जो मेरे पे पत्थर मारते थे हमारे थानों पे जब भी कोई झगड़े होते थे, आज वो आके हमसे हाथ मिलाते हैं। जो लोग दुखी होके जाते थे बहुत मुस्कुरा कर आते हैं। ये एक बदलाव जनता में जो आ रहा है, ये हमने नहीं सोचा था। जब बच्चे पढ़ने आते हैं उस समय हमारे थानों में जो कांस्टेबल्स वगैरह रहते हैं उनका भी बिहेवियर में बहुत फर्क आ रहा है। तो सिर्फ लोग नहीं, हम भी बदल रहे हैं। कमाल की बात। तो अगर अब आपका कभी पुलिस से सामना हो तो आप घबराइए मत, डरिए मत, ये हमारे अपने हैं, हमारे लिए ही काम करते हैं। और अब जब पुलिस ने हुनर की हथकड़ी लगाना शुरू कर दिया है तो आपकी तरक्की को कभी जेल नहीं हो सकती।